ये गुलाबी चमचमाती नोट को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल मुंबई में नकली नोट बनाने का मामला सामने आया है। मुंबई पुलिस को खबरियों द्वारा सूचना मिली कि मुंबई के बांद्रा में कुछ लोग जाली नोट बनाकर उसे बाजार में उतार रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 3 आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के ऑफिसर्स को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मुंबई में एक जगह पे एक जो इसम है वो फेक करेंसी तैयार कर रहा है और उसे सर्कुलेट करने की कोशिश कर रहा है। इस आधार पे यूनिट इंचार्ज 9 के जो ऑफिसर है उन्होंने पिछले एक हफ्ते से इस पर काम करना शुरू कर दिया था। जानकारी के मुताबिक नाला सोपारा में एक जगह पे 3 जो इसम है जिनको अभी अरेस्ट किया गया है, ये स्कैनर, प्रिंटिंग मशीन और लैपटॉप के ज़रिए बहुत बड़ी मात्रा में फेक करेंसी तैयार कर रहे हैं, ऐसा पता चला। बाद में ये तीनों इसम जो है वो बैंड स्टैंड में आने वाले हैं और जो करेंसी है वो सर्कुलेट करने की कोशिश करने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद एक ट्रैप करके इन तीनों को 70,08,000 की फेक करेंसी के साथ में पकड़ा गया है। इसमें जो नई नोट है, ओरिजिनल नोट, और ये जो फेक करेंसी नोट हमने जो अभी जब्त किया है, इसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स है ये बहुत मात्रा में सेम है, लेकिन जो 16 से 18 जो फीचर्स आते हैं इसमें, उसमें से 6 से 8 ही इसमें मैच करते हैं। ये नोट जो है, नई नोट को जो आरोपियों ने स्कैन करके इसके जो नंबर्स रहते हैं वो इन्होंने स्कैन करते समय वहाँ पे डिलीट करके नए नंबर्स खुद टाइप करके फेक करेंसी तैयार करते हैं। अभी जो आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं, इनके हमें PC मिली है, इनके पास में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम ये पूरा पता लगाएंगे कि ये इन्होंने कागज़ कहाँ से लाया है या इन्होंने इसके पहले इसे सर्कुलेट किया है कि नहीं। मामले में आगे की छानबीन की गई तो उनके घर से प्रिंटिंग मशीन, जेरोक्स मशीन और लैपटॉप बरामद हुए। आरोपियों ने 2000 नोट के 70,08,000 रुपये की करेंसी बनाई थी, जिसे पुलिस ने समय रहते पकड़ लिया है।